हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली राजमा की ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप जितना राजमा। राजमा को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे पानी में भिगो देंगे। राजमा जब अच्छे से भीग जाएंगे, तब हम देंगे एक कुकर और कुकर में हम राजमा को डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, सारी चीज़ों को हम अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे एक चॉपर की हेल्प से। और जब ये अच्छे से बारीक चॉप हो जाएंगे, तो इसे भी हम कुकर में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर राजमा को 3 सीटी आने तक पकने देंगे। 3 सीटी होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं राजमा अच्छी तरह से पक गया है। ध्यान दें कि राजमा को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें राजमा को फ्राई करना है, तो इस बात का आप ध्यान दें। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से राजमा को छान लेंगे और ये जो नीचे पानी बच रहा है, तो हमें इसे फेंकना नहीं है, इस पानी का हम आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। मसालों को हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे राजमा। सारी चीज़ों को अच्छे से 10 मिनट तक भूनेंगे। इस समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि राजमा और राजमे के सारे मसाले अच्छे से भुनने चाहिए, तभी इस सब्जी में टेस्ट आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे राजमा का बचा हुआ पानी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना गर्म मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकने देंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखने में जितनी सुंदर दिख रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप प्लीज़ एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।